हेलो दोस्तों, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम, मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हम लोग तैयारी करा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम ये जो चार नंबर में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो देख लेते हैं। एक टावर के आधार से जाती हुई रेखा से ए तथा बी दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से टावर की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। देखिए, यदि आपका डायग्राम हाइट एंड डिस्टेंस का सही बन गया तो डेढ़ नंबर तो बच्चों उसी के ही होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हुए इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमने क्या किया है, सबसे पहले टावर बना लिया। मैंने कहा कि ये क्या है, ये एक टावर है और टावर का आधार तो ये होगा, ये हो गया आधार, ये हो गया उसका शिखर। अब टावर के आधार से जाती हुई रेखा, तो भाई आधार से जाती हुई रेखा तो दोस्तों ये हो गई ना। तो हमने कहा कि टावर के आधार से जाती हुई रेखा ये बना ली से ए तथा बी दूरियों पर स्थित, ये टावर के आधार से ए दूरी पर स्थित हो गई और ये हो गई दोस्तों हमारी बी दूरी पर स्थित। दो बिंदु, एक बिंदु मैंने ये मान लिया, दूसरा बिंदु मैंने ये मान लिया, से टावर की चोटी, चोटी मतलब शिखर, ये का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, यदि हम ऊपर देखते हैं तो हमारी आंखें क्षैतिज स्तर से जो कोण बनाती हैं वो कहलाता है हमारा उन्नयन कोण। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर देखा, ऊपर देखने पर टावर की जो चोटी से जो उन्नयन कोण है, एक उन्नयन कोण ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अब ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। क्या है, कोटि पूरक हैं। इंग्लिश में से कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में से कहते हैं कोटि पूरक। कोटि पूरक की क्या खासियत होती है, यदि दो मेरे पास कोण हैं, दो एंगल हैं और उनका एडिशन 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है, वो कोटि पूरक कहलाते हैं। इसका अब दोनों का योग 90 होना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि एक को माना थीटा, दूसरे को मैंने कंसिडर किया 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऐड करके देखिए 90 आ रहा है, तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के कोटि पूरक। अब मैंने नाम दे दिया ए, बी, इस बिंदु को नाम दे दिया सी और इसे नाम दे दिया डी। एक बार तो मैंने क्या किया, अच्छा ये जो ऊंचाई टावर की ऊंचाई है इसे मैंने मान लिया कि माना टावर की ऊंचाई बराबर एच। यदि इसमें क्वेश्चन में हमें फुल मार्क्स लाने हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि माना टावर की ऊंचाई बराबर एच, आधार से पहला बिंदु की दूरी ए, आधार से दूसरे बिंदु की दूरी बराबर बी। ठीक है दोस्तों, अब ज़रा देख लेते हैं। एक बार तो अब मेरा डायग्राम बन गया सही, इसका मतलब मेरा 90% चांसेस हैं कि मेरे क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता। चलिए, अब एक बार तो मैंने ले लिया समकोण त्रिभुज एबीसी, तो मैंने कहा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जब मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया तो यहाँ मैं कहूँगी कि टेन थीटा। अब भैया आप लोगों ने पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण और टेन होता है लंब बटे आधार। इसीलिए इसमें लंब था और आधार था, तो मैंने क्या किया टेन थीटा लिया। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब और आधार यानी एच बटा ए। इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर एक। अगली बार में मैंने क्या किया, एक बार समकोण त्रिभुज ले लिया ए बी डी, तो मैंने कहा कि भाई समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये ले लिया तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा टेन 90, इस बार का तो उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर एच अपॉन बी। अब जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है, आठवें चैप्टर में हमने पढ़ा है कि टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉट थीटा लिखते, तो हमने कहा कॉट थीटा। तो मैंने इसको कहा कि भाई ये तो हो गया हमारा कॉट थीटा बराबर एच अपॉन बी। इसे कहा समीकरण नंबर दो। समीकरण नंबर दो, एक समीकरण मेरे पास एक था, एक समीकरण दो था। समीकरण एक तथा दो का गुणा करने पर, तो मैं लिखूंगी समीकरण एक मल्टीप्लाई बाय समीकरण दो, इक्वेशन वन इज मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन टू। तो टेन थीटा का मल्टीप्लाई किस में होगा, कॉट थीटा में।
एच अपॉन ए का मल्टीप्लाई किस में होगा, एच अपॉन बी में। तो ये हो जाएगा टेन थीटा। कॉट थीटा को मैं क्या कह सकती हूँ, कॉट थीटा को हम कह सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा। एक चीज़ और, यदि आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो जो भी चीज़ें आप जानते हैं उन्हें यूज़ कर रहे हैं उन्हें कॉर्नर पे ज़रूर मेंशन कर दें कि सिंस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट थीटा, वन अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ हमने कॉट थीटा की जगह लिख लिया टेन थीटा। एच का मल्टीप्लाई एच में करेंगे तो एच स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई बी में। अब टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, वन बराबर एच स्क्वायर अपॉन ए बी, या कहें एच स्क्वायर बराबर ए बी। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, या कहें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो दोनों पक्षों का जैसे ही हम वर्गमूल लेंगे हमारा ये हो जाएगा एच, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ए बी। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस मैं आपके सामने रख सकूं। ओके बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे इस क्वेश्चन के साथ में।